में इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं इन दोस्त के किसी खास एक ऐसे मुद्दे पर जो बनी होती हैं सुर्खियों का विषय। और आज भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसमें पहला जिक्र हम करेंगे फिल्म मुन्ना मवाली का और फिल्म मुन्ना मवाली के प्रोड्यूसर के दिए गए इंटरव्यू का। उसके बाद हम चर्चा करेंगे गार्गी पंडित की नाराजगी का और उसके बाद हम चर्चा करेंगे गुड्डू रंगीला के गाने ऑटो से आएम और ऑटो से खेसारी के गाने ऑटो से जाली। ये तीन टॉपिक हैं जो आज सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम जिक्र करें मुन्ना मवाली फिल्म का और उनके प्रोड्यूसर के दिए गए इंटरव्यू का, तो ये बात सामने आती है कि प्रमोद प्रेमी जो अभी शूटिंग कर रहे हैं वो इससे पहले इस फिल्म के लिए चुने नहीं गए थे, बल्कि खेसारी को इस फिल्म के लिए चुना गया था। उसके बाद प्रमोद प्रेमी को लिया गया क्योंकि खेसारी ने ये शर्त रखी थी कि फिल्म का टाइटल चेंज कीजिए तब मैं इस फिल्म में काम करूंगा, और ये शर्त फिल्म मेकर्स ने नहीं मानी जिसके चलते प्रमोद प्रेमी को एंड में इस फिल्म में लिया गया। लेकिन फिर क्यों खेसारी अपनी फिल्म लेकर आ गए बबुआ बवाली? बबुआ बवाली और मुन्ना मवाली नाम सुनकर मुझे तो दोनों फिल्मों के टाइटल में कोई बदलाव नहीं दिखा है। खैर, नाम की बात करें तो दोनों नाम का अर्थ समान ही निकलता है और आगे देखना है कि फिल्मों में क्या कुछ अलग होने वाला है। फिलहाल खेसारी की जो फिल्म आई है चांदनी जी से मैं आपको रूबरू करवाना भूल गई, इतनी बातें ही करती हूँ क्या करूँ। चांदनी आज मेरे साथ हैं जो आपको काफ़ी सारी जानकारी देंगी और मेरा साथ देंगी, इसलिए चांदनी जी से ही हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि चांदनी जी, जो खेसारी की हाल ही में फिल्म आई है बबुआ बवाली, उस फिल्म में आपको क्या लगा सुन के कि खेसारी अचानक से इस फिल्म की अनाउंसमेंट आ गई खेसारी की इस फिल्म की? इससे पहले मुन्ना मवाली चली थी और बवाली, बबुआ बवाली सुनकर सीधे दिमाग में यही आया कि मुन्ना मवाली फिल्म, तो ऐसा क्यों किया है जब मुन्ना मवाली का टाइटल चेंज करने की बात कर दी, मुन्ना मवाली में काम करने के लिए मना कर दिया, तो फिर क्यों खेसारी ने सेम टू सेम ऐसी फिल्म बनानी चाहिए? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि प्रमोद प्रेमी बहुत ही अच्छे स्टार बनते जा रहे हैं। उनकी पहली फिल्म चना जोर गरम हिट हुई, उसके बाद उन्हें ढेरों फिल्मों का ऑफर आया जी, उन्होंने साइन भी किया और अब कई सारी फिल्मों में काम भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनकी कई सारी फिल्में आपको देखने को मिलने वाली हैं। अभी मुन्ना मवाली की शूटिंग चल रही है, टाइटल सॉन्ग चल रहा है उसकी शूटिंग, तो खेसारी लाल यादव को ये बात कहीं ना कहीं, अगर कहा जा रहा है, अगर आप ये कह रहे हो कि टाइटल सेम है तो कहीं ना कहीं खेसारी को ये भी लगा होगा कि नहीं ये फिल्म तो बहुत अच्छी बनने वाली है या ऐसा कुछ, कि प्रमोद की एक तो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है तो उससे कहीं ना कहीं खेसारी ने सोचा क्या कि नहीं, उनको ये लगा होगा कि ये फिल्म मैंने छोड़ करके गलत कर दी, तो इसलिए इस फिल्म का टाइटल, दूसरा फिल्म में ये काम कर रहे हैं और इस फिल्म का टाइटल बबुआ बवाली रख रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि खेसारी की ऐसी बॉडी देखने को मिलेगी जो कि आपको संघर्ष और एक और जो फिल्म है दबंग सरकार उसमें भी देखने को नहीं मिलने वाली, वो उससे भी ज़्यादा बेहतर बॉडी लेकर के आएंगे। तो कहानी का टाइटल तो लगभग सेम ही है दोनों का, बबुआ बवाली मुन्ना मवाली, एक बारी कोई भी एक सुन लेगा तो उसे मुन्ना मवाली याद आएगा। और आप सीधे नाम से ही ये बात कह सकते हैं कि जो मुन्ना है वो बाबू भी बन सकता है और मवाली बनकर ही तो कोई बवाल मचाएगा भैया, तो बवाली और मवाली सब सेम है। तो बेशक से फिल्म की कहानी अलग देखने को मिले, लेकिन खेसारी ने बाद में अपने इस फिल्म का अनाउंस करके एक और दर्शकों के मन में प्रश्न छोड़ दिया है कि क्यों उन्होंने ये फिल्म का टाइटल चुना है। खैर, फिल्म जब रिलीज होगी तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल खेसारी की एक और फिल्म की चर्चाएं बहुत जोरों पर है जिसका नाम है मैंने उनको सजन चुन लिया। इस फिल्म के लिए भी खेसारी अपना 10 किलो वजन बढ़ाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगी? वजन और लुक कितना मैटर करता है एक स्टार के लिए किसी फिल्म में? देखिए, कोई भी स्टार होता है, अब जैसे कि पहले भोजपुरी में आपको फिल्में देखने को मिलती थी, वो इस तरह की होती थी कि उसमें रोमांस देखने को मिलता था, एक्शन भी देखने को मिलता था थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें मसाले ज़्यादा होते थे, हॉट सॉन्ग्स ज़्यादा होते थे, आइटम सॉन्ग्स ज़्यादा होते थे। लेकिन चूंकि अब कहा जा रहा है कि भोजपुरी में बदलाव आ रहा है जी, तो अब रोमांस, अश्लीलता इन सब से ऊपर उठ के उसे हाई लेवल का कुछ देने की तैयारी में है भोजपुरी इंडस्ट्री। और कहीं ना कहीं अब इन्हें भी लगने लगा है कि अगर बॉडी अच्छी नहीं होगी एक्टर की या हीरो की तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप जितने भी हिट फिल्में हॉलीवुड की फिल्में देखिए, बॉलीवुड की फिल्में देखिए, उसमें जो हीरो होते हैं उनकी बॉडी एक देखेंगे कि जबरदस्त बॉडी होती है और उनकी फिल्में हमेशा ज़्यादातर हिट जाती हैं। तो इस बात को सोच करके कहीं ना कहीं बॉडी को लेकर के बहुत ज़्यादा इन लोगों को भी लग रहा है कि मायने रखती है बॉडी, लुक मायने रखता है, इसीलिए अब चेंज करवाया जा रहा है, क्योंकि सीक्वेंस तो सेम है लगभग, लेकिन बॉडी चेंज करने से बहुत कुछ बदल जाएगा।
तो आने वाली काजल की फिल्म के लिए भी ऐसी खबर आई है कि काजल की और खेसारी दोनों ने अपनी दो दो फिल्में जल्दी से बनाकर तैयार कर ली हैं, बिल्कुल और ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोनों अलग अलग फिल्म से टकरा सकते हैं एक ही फिल्म के स्टार कास्ट होके, क्योंकि काजल की फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया एक तरफ जहाँ बनकर तैयार हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ तैयार हुई है खेसारी की फिल्म, और दोनों फिल्म अगर टकरा जाएगी तो थोड़ा बहुत दोनों को मन में जरूर खटकेगा। खैर ये एक कॉन्ट्रोवर्सियल बात है और अलग बात है। यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं अगले टॉपिक की, वो ये है कि गार्गी पंडित हुई हैं नाराज, वो भी फिल्म मेकर से निशिकांत झा और चंदन उपाध्याय से। 3 महीने में शूटिंग कंप्लीट की दोनों ने अपने स्टार कास्ट के साथ गार्गी ने, उसके बाद नाराज होना कहीं हमें भी नहीं बच रहा है। सीन आपने किया है, सीन पॉपुलर हो गया है, फिल्म मेकर्स ने अपनी तरफ से नहीं दिखाया कि यही सीन दिखाना है हमें, फिल्म मेकर बस पूरा ट्रेलर रिलीज हुआ उसके बाद से ही ये खबर फैली, क्योंकि दर्शकों ने ट्रेलर में देख लिया था उसके सिंह सीन को, तो बातें बनी तो फिल्म मेकर्स को भी लगा इस चीज से फिल्म हमारी नाम हो सकता है फिल्म का, इसलिए उन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया। अगर निशिकांत झा और चंदन उपाध्याय के अलावा कोई और होता उस जगह पे तो शायद वो भी यही करता, क्योंकि इससे पहले रितु सिंह के साथ जो फिल्म की शूटिंग हुई थी, नाम क्या था उस फिल्म का? उस फिल्म का नाम था दीवानापन नहीं, रितु सिंह के साथ उन्होंने एक फिल्म की थी अभी कुछ दिनों पहले, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इंस्टेंट अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगी, लेकिन रितु सिंह के साथ उनकी ये फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी और रितु सिंह का किसिंग सीन किसिंग भी सीन बहुत वायरल हुआ था और इसी फिल्म से प्रमोट भी किया गया था फिल्म को, तो रितु सिंह की तो ऐसी कोई नाराजगी की खबर सामने नहीं आई, और आई भी होगी तो शायद वो इतना आगे नहीं बढ़ी, लेकिन गार्गी की खबर तो हर तरफ फैल गई है और गार्गी को की बातों को सुनकर सबको ऐसा लगा है कि फिल्म मेकर्स ने जबरदस्ती ये सीन उनसे करवाया है। वेल अगर आपको इस सीन से मतलब परेशानी थी, अगर आप नहीं चाहती थी कि फिल्म का सीन वायरल हो, फिल्म का सीन इतना प्रमोट हो, तो आपको शायद ये सीन ही नहीं देना चाहिए था। वेल यहाँ आप क्या कहेंगी गार्गी के नाराजगी से? देखिए, गार्गी के नाराज़गी किसी को भी नहीं पच रही है, क्योंकि चलिए ठीक है आपके छोटे मोटे सीन होते और उसको अगर प्रमोट करके उस बात को लेके अगर फिल्म को प्रमोट किया जाता तो एक बार को आदमी सोच सकता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, इसी बात को लेकर के फिल्म को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन एक पूरा का पूरा गाना ही आ गया है और उस पूरे गाने में आप किसिंग सीन दे रहे हो, तो वो गाना जब रिलीज हुआ है हर किसी को देखने को मिल रहा है, तो अगर प्रमोट कर ही रहे हैं इस सीन को लेकर के तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी तो है ना कि गाने में ये जब सीन है तो फिल्म में भी कई सारे सीन होंगे, और प्रमोट करना कौन सी गलत बात है। मुझे तो नहीं लगता कि गार्गी को इतना नाराज़ होना चाहिए, अगर नाराज़ होना ही था तो उन्हें यह सीन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अगर सीन है तो लोग देखेंगे फिल्म में, और उस बात को लेके अगर प्रमोट किया जा रहा है तो आपकी फिल्म को ही लोग ज़्यादा देखने पहुँचेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका भी नाम होगा, और अगर आप एक्ट्रेस हैं तो आपको मुझे नहीं लगता है कि आपको इस तरह से कोई नाराज़गी दिखानी चाहिए। ठीक है तो अगर छोटा मोटा सीन होता तो आपको नाराज़ होना चाहिए था कि इसको बहुत बड़ी बात बना के कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा एक तरफ ये भी खबर देखने को मिली है कि कल्लू कहते हैं कि मैं भोजपुरी से अश्लीलता नहीं जोड़ना चाहता, मैं भोजपुरी में किसी के ऊपर गाने नहीं गाता, मैं भोजपुरी से गंदगी को हटाना चाहता हूँ, तो फिर ये इतने लंबे किसिंग सीन से वायरल होना, अपने द्व्यर्थी गानों से फेमस होना, आपको क्या लगता है कि कल्लू ऐसे जंग लड़ पाएंगे अश्लीलता से? बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे, कहने और करने में अगर अंतर है, आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत साबित होते हैं लोगों की नज़रों में, और इससे आपकी पहचान बहुत ख़राब होती है। या तो आप इस तरह का सीन देना बंद कीजिए, क्योंकि उनका तो नाम हो चुका है कि भोजपुरी के इमरान हाशमी बन चुके हैं, जो कि किसिंग सीन्स के रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, और एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें हटाना चाहता हूँ, अश्लीलता हटाना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कथनी और करनी एक जैसी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, तो या तो आप अपने बयान बदलिए, और या तो आप साफ कहते कि नहीं ठीक है लेकिन सीन किसिंग सीन वगैरह दे सकता हूँ, और उल्टे मतलब ऐसे सीन्स नहीं दे सकता जो बिल्कुल ही देखने लायक ना हो, तो ये बात अलग होती, लेकिन आप बिल्कुल ही कुछ और बोल रहे हैं और बिल्कुल ही कुछ और कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। यहाँ एक और आपके इंटीमेट सीन और अश्लीलता से एक मुझे वीडियो याद आई है, हाल ही में निरहुआ और राम रूपाली की भी कुछ उस तरह की वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो बाथरूम में इंटीमेट सीन शूट करते हुए नजर आए, दोनों एक साथ नहाते हुए, शायद किसी गाने की शूटिंग है, और देख के थोड़ी शर्माहट जरूर आएगी अगर किसी के साथ देखेंगे, तो फिल्मों में इस तरह के सीन डालना क्या अपने परिवार के साथ बैठ के कोई देख पाएगा?
बिल्कुल नहीं देख पाएगा, ये तो कहने तो फिर वाली अगर बात ही इतने नहीं बड़े है। सुपरस्टार ही ऐसे सीन देंगे तो फिर अश्लीलता से हटा कौन रहा है, भोजपुरी से अश्लीलता हटा कौन रहा है, बातें सब कर बिल्कुल रहे हैं और एक तरफ सीन आप दिए जा रहे हैं ऐसे एक पर एक, तो फिर अश्लीलता हटा कौन रहा है ये बता दीजिए जरा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे सीन्स नहीं होने चाहिए किसी भी फिल्म में, क्योंकि आदमी चाहता है कि अपनी फिल्म को अपनी फैमिली के साथ देखे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करे। लेकिन अगर आप इस तरह के सीन देंगे तो लोग नहीं देख पाएंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि अश्लीलता हटाएंगे तो और भी सारे बहुत बहुत चीज़ें हैं, आप एक्शन ले लीजिए, कोई हिस्टोरिकल स्टोरी ले लीजिए, या फिर कुछ इस तरह की फिल्में लीजिए जो एक मैसेज देती हों, कुछ कुछ प्रथाओं पे बनाइए। भोजपुरी में इतनी अच्छी अच्छी प्रथाएं होती हैं और होती थी, उनके ऊपर बनाइए, तो ये फिल्में लोग देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे और उन्हें कुछ मैसेज भी मिलेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अश्लीलता हटा रहे हैं भोजपुरी में से और उसके बाद से आप इंटीमेट सीन दे रहे हैं वो भी बाथरूम में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत गलत है और भोजपुरी इंडस्ट्री के भविष्य के लिए चीज़ सही नहीं है। तो कल्लू से रितु के किसिंग सीन के फिल्म का नाम अगर आपको याद है तो आप भी हमें बता दीजिएगा, क्योंकि फिल्म अब लोगों के जहन से भी शायद उतर चुकी होंगी, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि आपको उस फिल्म का नाम याद है या नहीं। तो अगर आपको कल्लू और रितु सिंह के किसिंग सीन का फिल्म का नाम याद है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगली बार फिर से होगी मुलाकात, क्योंकि आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर से किसी खास मुद्दे पर होगी तमाम चर्चाएं और हम देंगे आपको तमाम जानकारियां, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। Next9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।